बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के सेशन में हम CSS एनिमेशन का कुछ इंट्रोडक्शन भी देंगे और एक दो एक्सरसाइजें भी हम करेंगे और उसके एक इम्पैक्ट भी बताएंगे कि किस तरह से CSS एनिमेशन का एक रोल है अपने वेबसाइट के पेज के ऊपर। दरअसल हम जो है कुछ एनिमेशन का मतलब क्या होता है, मूविंग हरकत करती हुई तस्वीरें, ठीक है। एक होती है स्टिल पिक्चर जो हमने बहुत हद तक लगाई, हमने इमेज टैग के जरिए भी लगाई, हमने बैकग्राउंड इमेज के जरिए भी बैकग्राउंड में पिक्चर लगाई है, लेकिन अभी तक हमने जो है कोई मूवमेंट नहीं की, किसी ऑब्जेक्ट को हमने एक जगह से दूसरी जगह सेंड एंड रिसीव नहीं किया, इस ट्रांसफर नहीं किया, ट्रेवर्स नहीं किया, विजिट्स नहीं किया। तो ये एनिमेशन जो है वो किस अंदाज से हमारी वेबसाइट में अपना रोल प्ले करती है। CSS एनिमेशन में हम ये सारा कुछ करते हैं और CSS एनिमेशन में कुछ अहम प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको समझना या पढ़ना आपके लिए ज़रूरी है, ताकि जब तक वो समझ आएंगी तो फिर हमें यह समझ आएगी। मैंने एक नोट पैड के ऊपर इनको मतलब एक्सप्लेन भी किया है थोड़ा बहुत, और इसको बारे में थोड़ा बता रहा हूँ। सबसे पहले हमारे पास है की फ्रेम। की फ्रेम से क्या मुराद है, देखें जी, आपके पास CSS जो इम्प्लीमेंट होती है वो स्टाइल शीट में होती है। आपको याद होगा कि अगर आप इन लाइन करते हैं तो आप H1 और स्पेस देकर स्टाइल लिखते हैं, इक्वल टू लिखते हैं और डबल कोटेशन के अंदर उसकी प्रॉपर्टी शुरू कर देते हैं। इसी तरह डेव के आगे भी आप स्टाइल लिखते हैं और इक्वल टू कर लेते हैं। अगर आप इन लाइन इंटरनल यूज कर रहे होते हैं तो आप ऊपर हेड के पोर्शन में स्टाइल लिखते हैं और फिर अपना प्रॉपर्टीज देना शुरू कर देते हैं। अगर आप एक्सटर्नल यूज कर रहे होते हैं तो आप एक और नोट पैड की फाइल खोलते हैं और वहाँ जो है आप ये सारी स्टाइलिंग वहाँ करते हैं CSS की। बात समझ आ गई है। तो वो एक या एक से ज्यादा स्टाइल, क्योंकि हो सकता है एक स्टाइल अप्लाई करा रहे हूँ, जैसे H1 के ऊपर मैं सेटिंग कराई है, फिर मैं डेव के ऊपर करा रहा हूँ, फिर मैं इसी तरह ID यूज कर रहा हूँ, क्लासेस यूज कर रहा हूँ, वो हर एक मेरे लिए एक स्टाइल है, वो मैं इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। एक से ज्यादा स्टाइल हो जाएंगे तो कहते हैं हर स्टाइल के लिए एक की फ्रेम बनेगा, हर एक के लिए। हाँ, हर स्टाइल के लिए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक रेड कलर किया हुआ है, पहले मैंने H1 किया हुआ है, डेव किया हुआ है रेड, ठीक है, फिर मैंने उसे किया हुआ H1 डेव किया हुआ ग्रीन। अब जो रेड कलर किया हुआ है वो एक स्टाइल चलाएगा, वो एक की फ्रेम में डील होगा, सही। फिर अगले की फ्रेम में वो दूसरा स्टाइल, इसी तरह जितने स्टाइल मैं यूज करता जा रहा हूँ वो दरअसल मैं की फ्रेम में उसे मैनेज कर रहा हूँ। मूव क्या हो रहा है, वो की फ्रेम मूव हो रही है, वो की फ्रेम जो है हर स्टाइल को लेकर के मूव कर रही है। बात समझ आ गई, जो ऊपर जितने स्टाइल है उनको वो नंबरिंग सीक्वेंस कर रहे हैं, पहले रेड कर रहा है, फिर ग्रीन कर रहा है, फिर येलो कर रहा है, इस अंदाज से। मैंने एक एग्जांपल कोड भी एक कुछ खोल के रखे हुए हैं आपको समझाने के लिए। ये देखें, मैंने ये वाला चीजें कुछ ओपन की हुई हैं, ये देखें कलर चेंज हो रहे हैं इसके, ये चार कलर या तीन कलर या चार कलर इम्प्लीमेंट हुए हुए हैं और एक खास टाइम फ्रेम के ऊपर ये चेंज हो रहे हैं। इस स्टाइल में थोड़ी सी वेरिएशन जो है ये की फ्रेम की वजह से आ रही है, वो एक स्टाइल को अडॉप्ट करता है कुछ देर के लिए, वो दूसरे स्टाइल को अडॉप्ट करता है, तीसरे स्टाइल को अडॉप्ट करता है। तो हमें लगता है यार ये एनिमेशन हो रही है, कुछ हरकत कर रही है, तस्वीरें हो रही है, ये मेरा ऑब्जेक्ट चेंज कर रहा है, पोजीशन चेंज कर रहा है या बिहेवियर चेंज कर रहा है। इस सिचुएशन में सिर्फ वो अपना बिहेवियर चेंज कर रहा है, मेरा ऑब्जेक्ट, ठीक है। हो सकता है ये कोई पिक्चर हो जो कलर से ब्लैक एंड व्हाइट की तरफ जा रही हो, या ब्लैक एंड व्हाइट से कलर तस्वीर बन रही हो, ठीक है। हो सकता है ये कोई तस्वीर, कोई स्टाइल हो, का शूज हो, जिसको आप मुख्तलिफ एंगल से उसको कलर में शेड में देख रहे हो, ठीक है। तो ये इस अंदाज से इन्होंने यहाँ दिया हुआ। एक और एग्जांपल देखें जिसमें मैंने उनकी पोजीशनिंग भी तब्दील की। अब ये देखें, ये दो डेव बनाए, बजाहिर दो डेव है, ये दो तस्वीरें, ये इनको दो प्रोडक्ट्स भी कह सकते हो। इनकी पोजीशनिंग आगे पीछे मूव हो सकती है, इनकी मैचिंग को चेक करना चाह रहे हैं आप इनकी। तो ये बहुत हद तक इस अंदाज से हम डेव के अंदर इन चीज़ों को प्लेस करते हैं, ठीक है। और इसीलिए मैंने रियल टाइम पे ना एक पिक्चर बना के भी शो कर दी हुई है इस एग्जांपल में, कि ये जो तीसरी एग्जांपल है शायद वो नहीं खोली हुई है, इसे नीचे से खोलते हैं। तो हमारे पास ये एनिमेशन 2 के नाम से एक है, ये देखें, ये एक पिक्चर जो है इसको हमने मूव किया, असल में पीछे बैकग्राउंड में डेव है, डेव के ऊपर पिक्चर मूव हो रही है, ठीक है। और ये उसमें हमने पोजीशनिंग सेट की है, उसकी डायरेक्शन लेफ्ट इतना 100% होना चाहिए, राइट साइड पे इतना 0 होना चाहिए, सही। स्टार्ट में 0 से शुरू हो, फिर वो 200 और फिर 0, फिर 200 तक जाए, फिर 0 हो जाए, इस तरह से उसकी चेंजेस स्टाइल में तब्दीली होती रहेगी, की फ्रेम उसको अडॉप्ट करता चला जाएगा और एट द एंड वो सारे फ्रेम विजिट हो जाएंगे, सही। सारे फ्रेम विजिट से हमें लगता है यार ये तो तस्वीर मूव हो रही है, इसी को एनिमेशन कहा जाता है। बस समझ आ गई है। अच्छा, अब हम दोबारा आते हैं जो हमने कॉन्सेप्ट उधर से देख रहे थे।
तो फिर है हमारे पास एनिमेशन नेम, ठीक है, कहते हैं नेम ऑफ द एनिमेशन। आप अपनी इसमें वेबसाइट के पेज में जो एनिमेशन लगा रहे हैं उसका आप यूनिक नेम भी रख सकते हैं। हो सकता है अब ये जो मैं पिक्चर लगा रहा हूँ, ये जो आपके सामने पिक्चर मूव हो रही है, ये इसमें हो रही है स्केयर में हो रही है, ठीक है, राउंड स्केयर में हो रही है पिक्चर जो मूव हो रही है। लेकिन अगर डिमांड है कि ये जो सर्कल में रोटेट हो, सर्कल, ठीक है, तो वो एक और नाम रख के मैं इसी को कर सकता हूँ, एक और तस्वीर लगा दूं वो सर्कल में रोटेट हुआ करे। लेकिन ये भी होगी, ये भी होगी साथ, अगर मैं अगर दो यूज कर रहा हूँ, जाहिर सी बात है इस एनिमेशन का नेम और है, उस एनिमेशन का नेम और है, ठीक है। जिस तरह से डेव दो लिए हैं तो डेव का मैंने नाम रखा हुआ है, एक टॉप डेव है, एक लेफ्ट डेव है, एक फुटर डेव है, आईडी के जरिए उनको डिफ्रेंशिएट किया हुआ है, तो वो भी डेव, ठीक है, लेकिन आईडी के जरिए डिफ्रेंशिएट किया हुआ है। यहाँ भी मामला यही है, हैं तो वो एनिमेशन लेकिन मुख्तलिफ नाम से कॉल करूंगा, तो उनको हमें मुझे याद भी रहेगा कि मैंने उसे किस नाम से कॉल किया हुआ है और उस हिसाब से इम्प्लीमेंट भी होगा। समझ आ गई बात? अच्छा, अब यदि है ड्यूरेशन, एनिमेशन ड्यूरेशन, हाउ लॉन्ग टाइम द एनिमेशन टेक्स टू कम्प्लीट, कहते इसको कितने सेकेंड्स, मिली सेकेंड्स, घंटों में कम्प्लीट होना चाहिए इस एक्टिविटी को। यानी ये जो एक्टिविटी यहाँ हो रही है, जैसे मैंने यहाँ बताया आपको कि ये एक्टिविटी यहाँ हो रही है, इस तस्वीर का एक खास पोजीशन से निकलना और रिवर्स करना और इस अंदाज से रोटेट करना, ये अगर आप कैलकुलेट करें तो सिर्फ कितने, दो सेकंड लग रहे हैं, तीन लग रहे हैं, चार लग रहे हैं, कितने लग रहे हैं कि ये यहाँ तक वापस आ रही है, ठीक है। तो वो इसीलिए इसे कहते हैं ड्यूरेशन, वो हम टाइम सेट कर रहे हैं, बात समझ आ गई है। फिर हमारे पास है एनिमेशन इटरेशन काउंटर, जैसे कि मैंने कहा कि ये जो इसकी मूवमेंट है, अच्छा सॉरी डिले, अब डिले में क्या करूंगा, एनिमेशन डिले में टाइम इंटरवल दैट चेंज वन स्टाइल टू अनदर स्टाइल, क्योंकि देखिए मैंने अभी कहा कि की फ्रेम किस भी बिहाफ पे काम कर रही होती है, सीएसएस स्टाइल के बिहाफ, एक स्टाइल अडॉप्ट करे फिर दूसरा स्टाइल अडॉप्ट करे, तो ये इसका एक स्टाइल से दूसरे स्टाइल में यानी कलर रेड से ग्रीन होने में इसको कितना डिले लगेगा, कितना इसमें फासला आएगा, कितना वफा आएगा, ठीक है। तो वो इसीलिए कहते हैं की फ्रेम में जो चेंजेस होगी वो डिले टाइम में इधर मेंशन कर सकता हूँ, उसे खुद कंट्रोल कर सकता हूँ कि कितनी जल्दी वो रेड से ग्रीन हो जाए या कितनी देर बाद रेड से ग्रीन हो जाए, उसके ऊपर सेकंड्स लगा के मैं उसे उसको स्लो एंड एक्टिव क्विक कर सकता हूँ, ठीक है, समझ आ गई है। अच्छा, अब ये चीज ऐसा समझ रहे हो, ये रेड ग्रीन इसको यूं भी समझ सकते हो कि आपके सामने एक फ्रूट है, एप्पल है, तो उसका आपने दो तीन लेयर बताए, एक फ्रेश फ्रूट है, ठीक है, एक येलो फ्रूट है, एक मतलब एक खराब फ्रूट है, तो आप उसको थोड़ा सा चेंज करके इसे बता सकते ऑब्जेक्ट को, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट जो है इसकी फ्रेशनेस ये होती है, इसकी मतलब हार्डनेस या खराबी ये होती है, उसको इस तरह भी दिखा सकते हैं, ठीक है, उसके स्टेजेस दिखा सकते हैं ना, जैसे जैसे बॉडी के हवाले से, मेडिकल साइंसेस के हवाले से उसके स्टेजेस दिखा सकते हैं, एक दिल के स्टेजेस दिखानी है वो एक स्टेजेस दिखा सकते हैं, जैसे सारे, ठीक है, मेडिकल के फील्ड में, ठीक है, इसी तरह गुर्दों की सिचुएशन, इस तरह हार्ट की सिचुएशन को दिखा सकते हैं, जिस तरह ग्राफ क्या होता है, डेफिनेटली उस ग्राफ के हवाले से दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ये वो चीजें होती हैं जिनको आप डिले से कंट्रोल कर सकते हैं, इन चीजों को, क्लियर होगी बात। अब जी एनिमेशन आइटरेशन काउंट प्रॉपर्टी स्पेसिफाइड नंबर ऑफ आइटम्स, नंबर ऑफ टाइम्स एंड एनिमेशन रन, एक एनिमेशन को कितनी देर यह चलना चाहिए। तो ये देखिए मैंने जो ये सर्कल, ये मतलब स्केयर के अंदर ये मूव करा रहा हूँ, तो ये मुझे ये जो विजिट है पूरा एक विजिट, जिस पोजीशन पे ये था और फिर विजिट करके वापस उसी पोजीशन पे आया है, तो ये कितने काउंट करें, कितना चक्कर लगाए, ठीक है। तो मैंने काउंट करना है, मैंने काउंटर मेंशन किया हुआ है, इसे काउंटर के अंदर देखा जाता है, ठीक है। फिर है जी इसकी डायरेक्शन, जैसे कि इसकी डायरेक्शन रिवर्स है इस वक्त, ठीक है, क्या इसकी डायरेक्शन चेंज हो सकती है, यानी फॉरवर्ड हो सकती है, तो फिर ये यूं करके वो भी चल सकता है, ठीक है, इसकी पोजीशन में खुद से मैं तो फॉरवर्ड रिवर्स वगैरह खुद से मैं इसे सेट कर सकता हूँ, तो ये भी मुझे यहाँ आकर के सेट करना, ठीक है। फिर इसके है टाइम फंक्शन, टाइमिंग फंक्शन, स्पेसिफाई द स्टाइल फॉर द टारगेट एलिमेंट व्हेन द एनिमेशन इज नॉट अप्लाई, ठीक है। अब वो स्टाइल कितने टाइम तक वो टारगेट एलिमेंट के ऊपर कोई स्टाइल अप्लाई ना हो, कोई इम्प्लीमेंट अप्लाई ना हो, ये टाइम फंक्शन को कंट्रोल करके हम ये चीज़ें कर सकते हैं कि हम किसी टारगेट एलिमेंट पे कोई स्टाइल अप्लाई नहीं कराना चाहते, कुछ होल्ड कराना चाहते हैं कुछ देर के लिए, ये भी एग्जांपल में आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, ये कि यदि फुल फिल मोड हमारे पास एनिमेशन इज नॉट अप्लाइंग, अगर आप किसी हिस्से में, उसके किसी हिस्से में आप एनिमेशन अप्लाई नहीं करना चाह रहे, तो ये फिल मोड में आएंगे। अच्छा, कहते हैं ये सारी प्रॉपर्टीज जो आपने इंडिविजुअली खुद से सेट की हैं,
और आप करेंगे अपने एग्जांपल्स कोड में, कहते हैं इन सब को आप फकत एक प्रॉपर्टी जिसे एनिमेशन कहा जाता है उसे भी आप यूज़ कर सकते हैं इन सब को हटा के। इस एनिमेशन वाली प्रॉपर्टी के अंदर कहते हैं वो सारी प्रॉपर्टी शामिल हैं, सिर्फ इसको लगा देने से कहते हैं शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी दैट सेट ऑल एलिमेंट के सारे एलिमेंट को सेट कर लेंगे, वो बाय डिफॉल्ट सेट कर लेगी कि वो किसी को 2 मिनट, किसी को 2 सेकंड, किसी को 3 सेकंड, किसी को लेफ्ट टू राइट, वो उसने खुद सेट कर। अगर मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ और मैं नहीं जानता कि इसकी हर प्रॉपर्टी का क्या पर्पज़ है, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से उसको ये एनिमेशन जस्ट लगा के और एनिमेशन स्टार्ट कर देता हूँ, वो उसको इम्प्लीमेंट कर देता है, ठीक है। तो अब हम आते हैं इसके असर सर, इसमें मतलब कि की फ्रेम लगाना ज़रूरी होता है। बिल्कुल बिल्कुल, की फ्रेम। अब मैं असल कोडिंग की तरफ आता हूँ कि कितना हिस्सा कोडिंग का इसमें दिया हुआ है और कितना हिस्से से कोडिंग कंट्रोल होती है, ताकि मैं उसको बता सकूँ आपको। ये देखें, ये हमारे पास इंटरनल सी एस एस लगी हुई है, ठीक है। इस इंटरनल सी एस एस में क्या किया हुआ है, हमने ये डेव लगाया हुआ है, ठीक है, और ये विड्थ दी हुई है और हाइट दी हुई है, बैकग्राउंड कलर दिया हुआ है उसका, पोजिशन दी हुई है रिलेटिव, और ये देखें ये एनिमेशन का नेम दिया हुआ है एग्जाम्पल, ठीक है, ठीक है, और फिर ये ड्यूरेशन दी हुई है 6 सेकेंड्स, ठीक है, और ये काउंट दिया हुआ है कि ये 2 दफ़ा यही अमल करेगा, ठीक है, और डिले दिया हुआ है कि इसमें कितना फासला होगा, जब एक दफ़ा कर लेगा तो दूसरे में दूसरे तरफ ध्यान देगा उसे कितना डिले है एक स्टाइल से दूसरे स्टाइल में जाने में। अब ये रिवर्स है डायरेक्शन इसकी, ठीक है। अब ये पूरा एक स्टाइल इम्प्लीमेंट हो गया हुआ है, ये वाला एक स्टाइल है जो इस डेव पे अप्लाई हुआ, ठीक है। अच्छा, अब आप नीचे तशरीफ लाएं। लेकिन सर इसमें की फ्रेम कहाँ लगा हुआ है? ये देखें, अब आप नीचे हैं ना। अच्छा। ये देखें, ये की फ्रेम है। की फ्रेम किसको कॉल कर रहा है? दरअसल वो एग्जांपल को कॉल कर रहा है। एग्जांपल क्या है? ये नाम है एनिमेशन का, सही। की फ्रेम किस पे वर्क करेगा? दरअसल वो कहते हैं एग्जांपल नेम ही कोई एनिमेशन है उस पे काम करेगा। एग्जांपल नेम वेरिएबल किसे? वो स्टाइल के अंदर लगाई हुई है, सही। वो डेव के अंदर अप्लाई की हुई है, ठीक है। यानी एक पूरे स्टाइल को मैं कॉल कर रहा हूँ किस पे? एग्जांपल के नाम से, सही। दे रहा हूँ किसको? की फ्रेम को। अब की फ्रेम शुरू कहाँ से हो? कहते हैं 0% से शुरू हो, ठीक है, और बैकग्राउंड कलर इसका रेड हो, लेफ्ट पोजिशन 0 हो, टॉप पोजिशन 0 हो। यानी मेरा ऑब्जेक्ट जो ये वाला ऑब्जेक्ट है जो मैंने एग्जांपल लिया हुआ है, ये लेफ्ट साइड पे 0 पोजिशन पे खड़ा है, ठीक है, और टॉप पे भी ये 0 पोजिशन पे खड़ा है, ठीक है, ये 0% पे अभी, यानी स्टार्टिंग बिगिनियर इसकी ये पोजिशन है। अच्छा, जब ये स्टार्ट होगा, ठीक है, तो इसकी स्टेट्स तब्दील होंगी। स्टेट्स तब्दील होने से क्या मुराद है? यानी ये 25% पे कहाँ होगा? कहते 25% पे ये होगा कि इसका लेफ्ट 400 होगा और ये टॉप 0 रहेगा, ठीक है। लेफ्ट इसका क्या होगा? 400 होगा और टॉप 0 रहेगा, तो फिर ये इस तरह से। अच्छा, फिर 50% पे क्या होगा जी? कहते हैं ये लेफ्ट और 400, ये दोनों साइड पे लेफ्ट भी और टॉप भी 400 रहेगा, इस कॉर्नर पे आ जाएगा, ठीक है, इस कॉर्नर पे आ जाएगा। अब 75% के ऊपर ये जो है ये ऊपर वाले कॉर्नर पे, ठीक है, तो इस अंदाज से 100% पे ये वापस अपनी जगह पे आ जाएगा। यानी स्टार्ट 0% से हुआ था, इसकी पोजिशन ये 0 और 0 रही थी, टॉप और लेफ्ट, 100% पे दोबारा इसको अपनी पोजीशन पे वापस आना है। तो बीच में ये स्टेट्स तब्दील हुई हैं जो 25, 50 और 75 पे हुई है, ठीक है ना। ये हमने उसकी मूवमेंट का हमने कंट्रोल किया। अब आप इसके मूवमेंट को खुद बढ़ा चढ़ा भी सकते हैं यहाँ से आकर के। अच्छा, ये काम था फकत स्टाइल सी एस एस एनिमेशन का। अब अप्लाई करना वही आसान है जो हम पहले कर चुके हुए हैं। हमने डेव लगाना है, ठीक है, और डेव लगा के हमने एक इमेज लगा दिया हुआ है ताकि इमेज उसके ऊपर नजर आए कि ये इमेज जो है इसके ऊपर दिया हुआ है। वगरना अगर इमेज नहीं भी लगाते हैं तो एक डब्बा सा जो है ना आपको हरकत करता हुआ दिखाई देगा, समझ आ गई? एक बॉक्स जो है हरकत करता हुआ दिखाई देगा। मैंने वैसे एक इमेज लगा दी आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए बेहतर, ठीक है। और मैंने उधर ऊपर कॉल भी डेव से किया हुआ है, अगर आपको पता हो तो, ये मैंने ऊपर डेव से कॉल किया हुआ है, ये देखें, ठीक है, ये डेव से कॉल किया। यानी किस में चेंजेस आने चाहिए? डेव में चेंजेस आने चाहिए। क्या डेव में एनिमेशन होनी चाहिए? किस क्या नेम है एनिमेशन का? एग्जांपल, ठीक है, क्या कलर है उसका, क्या सेकंड्स हैं, क्या कितनी दफ़ा ये हो, कितना डिले हो, किस तरह से मूव करे, डायरेक्शन क्या हो, ये सारी मैंने दे दी है इसी डेव, ठीक है। और उसके बाद की फ्रेम में मैंने उसका नाम से कॉल कर लिया। सर अगर हम बैकग्राउंड पे ही मूव करना चाहें?
बैकग्राउंड पे भी मूव हो जाएगा, पहले उसकी ओपेसिटी कम करेंगे वो लाइट लाइट हो जाएगा, सही ठीक है, वो बैकग्राउंड वर्किंग करने लग जाएगा सारा, ठीक है। तो ये एनिमेशन से रिलेटेड चीज़ें थी, इसकी एक्सरसाइजें भी दी हुई हैं, इसको उसको करके देखिएगा इम्प्लीमेंट, तो फिर इसको देखिएगा। तो इसके साथ इसे वाइंड अप करते हैं, शुक्रिया जनाब, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।